हम लोग तो रितु जायसवाल का पार्टी है हाँ हा, जोत में रह रू तो इतना अच्छा काम किए है तेजस्वी जी कि रितु जयसवाल ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिए इतना सुंदर कैंडिडेट है इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि ना इस बार रितु जयसवाल को जिताना है सरकार से तो हम लोग उब गए हैं हाँ, उप गए हैं हमको नहीं चाहिए सरकार का गए हमारे गांव में तो एकदम जनरल हमारे गांव का एरिया ही लंबा की वोट जब मिली तो खाली ललट का मिली 2024 लोकसभा चुनाव सियासत गर्म और उसी बीच हम शिवहर पहुंचे हैं देखिए एक गांव है जहां पर तमाम लोग बैठ के में बैठे हुए थे और जब राजनीति गर्म हो और चुनाव का माहौल हो ऐसे में जब बड़े बुजुर्ग साथ में बैठते हैं तो चुनावी बाती बातें जरूर होती है हमारे साथ कुछ लोग हैं इनसे बात करेंगे इस बार मुद्दा क्या होगा किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे कोई बेहतर प्रत्याशी भी दिख रहा है या नहीं देखिए हमारे क्षेत्र में आरजेडी के जो प्रत्याशी माननीय तेजस्वी जी दिए हैं बहुत अच्छे से सोच समझ के उन्होंने प्रत्याशी हैं अच्छा। हम इस चीज से बहुत खुश अच्छा। पर विपक्षी दल जो हैं, जो हमसे लड़ने के प्रयास कर रहे हैं हालांकि शिवहर में कोई लड़ाई है नहीं अच्छा। यहाँ पर एक एक जन से आप पूछेंगे तो सिर्फ रितु जायसवाल के बारे में आपको मिलेगा कोई यहाँ पर नहीं है आप किसको वोट करेंगे हम लोग राजद को छाप माने काहे करेंगे राजद का जो है कि मुद्दा है माने नौकरी और महंगाई इस पर हम लोग राजद को वोट करेंगे उसपे करेंगे जी 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 ये इंडिया ए रही है चार सौ ना 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 कुछ नहीं लबराई बोल रही है एकदम एकदम लबराई कह रहे हैं भाई राष्ट्र बचाना है तो लभ रही बात है चार सौ पार्ट देखियेगा ना यहाँ तो रितु जायसवाल जीत गई चुनाव रितु जयसवाल जी 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 जी, जी, जी नहीं हुआ, हुआ।, हुआ नहीं है उससे क्या हम लोग आवाज सुनते नो को हाँ पूरा हवा है पूरा हवा है उनको कौन वोट देगा हवा नहीं है दावा है दावा है। दावा है दावा तो हावा उनको वोट कौन देने आ, जा रहा है आ, उनका तो जाति है इसका सब तो जाति है हाँ हम लोग गांव गांव घूमते हम लोग वोट देंगे रितु जायसवाल को लालटेन छाप लालटेन छाप जी जी बाएं नहीं हो नहीं एक नंबर में है अभी तो बड़ा बड़ा नेता भी नहीं नहीं आने से क्या हो जाएगा आएंगे आएंगे वो अपने आएंगे और चीनी का फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे तब ना उनको वोट मिलेगा मोतिहारी में उन्होंने कहा है कि मैं जब आऊंगा तो मोतिहारी के चीनी मिल का चीनी से चाय पीऊंगा अब कौन ना चीनी मिल से चाय पियेंगे यहाँ चीनी मिल चला नहीं।, नहीं पांच साल क्या दस साल बीत गया तो इसलिए जुममा में हम जुमला में हम लोग जाने वाले नहीं है अच्छा काम तेजस्वी नए जवान है अच्छा काम किया है पांच लाख लोगों को नौकरी दिया है हो सकता है मेरे बेटा को भी नौकरी मिल जाएगा इनको बेटा को भी मिल जाएगा जब वो करने वाला तैयार होगा तब ना आज दूसरा तो सत्रह साल से है नौकरी को दबा के रखे हैं सारा पद खाली है जितने भी विभाग में जाइए सभी जगह रिक्त है सभी जगह रिक्त है आप किसको वोट दीजिएगा दीजिए हम लंटेम के टेम के ये हम जरिए के हुँ। हुँ। है देते हैं सब दिन हम लोग अथी किया है उसी लिए देंगे मोदी जी कह रहे हैं कि वोट दीजिए मोदी दी के हम कोई बात नहीं सुनते है कभी देश के प्रधानमंत्री नई मंत्री प्रधानमंत्री उनके चीनी मिल बेचे लोतिहारी के राधा मोहन सिंह लिखाया तब राधा मोहन सिंह चीनी मिल लिखाया तो मोदी क्या पार्टी ना है आर जे डी तो नौकरी दिया है लाख युवाओं को और भाजपा क्या दिया है इस बात नहीं होना है नहीं एकदम आर जे डी है हम लोग आर जे डी आर जे डी दे को देंगे और उसके बाद जायसवाल को हम लोग विजयी बनाएंगे और उसके बाद हम लोग उनको मला पहनाएंगे और तेजस्वी यादव को हम लोग चिड़ैया में बुला करके स्वागत करेंगे चिड़ैया में स्वागत करेंगे हम लोग क्या अच्छा क्या है मूड आप बताइए किसको दीजिए वही तो लल्टे में छाप के वोट हम देते हैं सब सब बोल रहा था बोल रहा था। ना, है हाँ सिखा दिए हैं क्या दो? ना ना, 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 ना जॉब से लल्टे माल तो से लल्टे में के वोट देते रहे बहुत बहुत क्या है माने लल्टे में से हमरा फायदा बाल लल्टे में के वोट देवे करी ले क्या फायदा है एक आगो फायदा बताइए ना फायदा तो माने लल्टे से बहुत कुछ होने का फायदा बा

बासवारी में बाई लमटेन जारी रास्ता हाँ। हाँ। परनेर में आवे के बाद जोतवा में तो गोर टूट जायू इतना दिन से आरोन अब हम दूसरा के अथी कर ट्रेन बेचेला लाल किला बेचेला हेने बेचेला बोनकी धरला सब कपड़ा सहित बनकी धल गाँव चला गया फ्री में

अच्छा ढंग बोलने का भी है ये वो विधायक जीता ही भाजपा का तो झाकियो नहीं आता है। सरकार से हम लोग उग गए है। है। हैं उग गए हैं हमको नहीं चाहिए सरकार भाजपा का यहाँ बचाएंगे नहीं बचा रहा है ये कोरोना का सुई में सारे लोग को मुआ दिया जहा है मुआ दिया सारा ट्रेन बंद करके कोई ना जहाँ ता वही मर गया लोग कैसा सरकार को नहीं चाहिए नहीं चाहिए सरकारी चौवाल को वोट भी देंगे तेजस्वी को सरकार भी बनाएंगे हाँ सरकार बनाएंगे चौवाल को बनाएंगे जी विकास करेंगे जी क्या विकास करेगा नीतीश कुमार तो दारू बंद कर दिया और घर घर में दारू खोलवा दिया वो क्या विकास करेगा सारे लोगों को बर्बाद कर दिया दारू सरकारी बंद कर दिया प्राइवेट घर घर में चुबा दिया तो क्या विकास करेगा पलटू ज्यादा कड़ी करेंगे कुछ नहीं करेगा पलटू चला उनका काम है पलटी बदलना दारू बंद किया है कि खोला है घर-घर उसका बोलने का तरीका है अभी बोलिए सुनिए ना गरीब आदमी आता है सुनिए सुनिए बता देते हैं आपको जो है हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दारू बंद किया है कि गरीब आदमी को मारा है जो मेहनत करके आता है कम से कम थोड़ा एक पगवा नहीं पिएगा उसको नींद आएगा पीते हैं हम तो नहीं पीते हैं पीते थे हाँ लेकिन अभी नहीं पीते हैं हम अब हम तो हम बंद कर दिया था कहा उतना पैसा है कि हमको पिएंगे दारू गांव समाज को गांव गांव समाज को बिगाड़ दिया हर घर में दारू चुलवाता है किसी को बोलता है दारू बंद होगा बंद कहाँ पर कराया है वो कोई प्रशासन नहीं आकर दारू कहीं नहीं रोकता है इसलिए हमको ने सरकार चाहिए आप बताइए बड़ी सो, भैया सोच रहे हैं क्या बात है ना सोचना क्या हम लोग लालटेम को वोट दिए लालटेम को वोट देंगे इतना अच्छा कैंडिडेट चुने हैं तेजस्वी पहले से भी दिए हैं और अभी भी देना है आ, इस बार तो इतना अच्छा काम किए हैं तेजस्वी जी कि रितु जायसवाल ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिए है इतना सुंदर कैंडिडेट है और इतना सहनशील है उनमें इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि ना इस बार रितु जायसवाल को जिताना है और जीत गई एकदम हाँ जीत गई कहीं भी जाके हवा ये हवा सुन लीजिए तो हाँ। एकदम हमारा मतलब गारंटी है कि जीत गई गारंटी हा, हाँ गारंटी भी ले ली है कि जीत गई एकदम गारंटी दल बदलू है सब लवली आनंद क्या चेतन आनंद जी को हम लोग वोट दिलवाए थे और जाके मिल गए बीजेपी में तो इसीलिए उनको वोट देंगे या फिर जाके मिल जाएंगे कहीं और तीर को वोट देंगे या जाके फूल में मिल जाएंगे ऐसे करें हम लोग ये ठोक नेता है तेजस्वी जी इनको हम लोग वोट देंगे ये कामयाबी का काम करते हैं इसलिए हम लोग इनको वोट कि बड़े बड़े नेता आएंगे तो उसके बाद तो मन वो बदल वो आएंगे और जाएंगे आएंगे और जाएंगे कभी नहीं, बदल नहीं बदलना है सरकार में हम लोग का बहुत इज्जत मिला है भाई इज्जत मिला है पहले से भी इज्जत मिला है बैठने का तरीका मिला है बैठने का लिए जगह मिला है लेकिन इस सरकार में कुछ नहीं मिला है इसलिए सरकार हमको लंडन चाहिए आज राजपूत के दरवाजे पर जाइएगा हाँ। तो चप्पल निकलवा देगा ठीक हाँ। है लालू यादव का देन है कि आज जूता हम लोग लो पहन लो करके नहीं जाते हैं राजपूत के दरवाजे पे हाँ। हाँ। आज मुरेठा बांध कर जाते हैं ठीक हाँ। है लेकिन राजपूत कभी नहीं जादू का इज्जत किया था लेकिन आप किसको हम राजपूत के सब बोल रहे हैं हम शुरू से हाँ ले अच्छा नेता है रितू जायसवाल जीतेगी जी हाँ एक नाम जीतेगी जितना ही है बात हो गया है, कर रहा है। जी से बात पूरा घूम घूम के पूरा पूरा बात जी चार सौ परसेंट सौ परसेंट सौ परसेंट में सौ परसेंट पूरा सौ परसेंट जी जिंदाबाद रितु जायसवाल गे। जिंदाबाद जीत जीत गयी जीत गई रितु जायसवाल जीत गई देखिए तमाम लोगों ने मूड बना लिया है खैर इस वक्त हम शिवहर में हैं और तमाम लोगों से लगातार जुड़ेंगे और आपको ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे खैर इस वीडियो में इतना ही